जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बारे में बात होगा कि इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि आपका एडमिट कार्ड जो भी सिलेबस है बता चुका हूं टाइपिंग वाइपिंग का। अब टाइपिंग में थोड़ा सा बोला था कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है आपका कि टाइपिंग के लिए टाइम दिया जाए, लेकिन तो ऐसा नहीं हुआ। आपके लिए टाइपिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। रिटर्न के ही दिन आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। जैसे दो शिफ्ट में आपको पता है कि हाँ, आप सभी लोगों का जो मेल आया हुआ था कि आपका 26 या 27 सितंबर को आपका एग्जाम हो सकता है, और अब इस डेट को क्या कर दिया गया है कि आपको क्लेरिफाई पूरा क्लियर कर दिया गया है कि आपका सेंटर कब किस शिफ्ट में, मॉर्निंग वाला है कि आफ्टरनून वाला है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा आपका प्रोसेस लेके चलेगा। हर एक शिफ्ट का तो एक दिन में दो ही शिफ्ट हो रहा है, आपका पहला शिफ्ट मॉर्निंग हो रहा है और दूसरा शिफ्ट आपका आफ्टरनून में हो रहा है। सेंटर भी पता चल चुका है कि आप लोगों का सेंटर कहाँ पे गया। अपने टाइम के हिसाब से आप रिपोर्टिंग करिएगा। और टाइपिंग का क्या है, जैसे आप एग्जामिनेशन पेपर जब एग्ज़ाम दे देंगे, रिटर्न एग्ज़ाम 2 घंटे का, फिर उसके बाद आपसे कंप्यूटर पे ही टाइपिंग टेस्ट करवा लिया जाएगा। अब टाइपिंग स्पीड कितना है, 35 वर्ड पर मिनट। अब कौन कौन जाए, कौन कौन लोग नहीं जाए, अब देखिए, जो लोग जिन लोगों का टाइपिंग नहीं है और रिटर्न भी नहीं है, तो उन लोगों कोई जाने का मतलब नहीं है। अगर हाँ, पेपर को देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो अगर आपका एक चीज है, एक चीज नहीं, जो जैसा भी आपको लगे, अगर टाइपिंग अगर आपका 35 वर्ड पर मिनट हो जा रहा है, 34 हो जा रहा है, तो आप समझ के रखिए कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं। और 40-45 है तो आपका ज्यादा चांस है कि आप टाइपिंग को क्लियर कर जाए। यही है कि टाइपिंग आपका कब होगा, रिटर्न के आधे घंटे बाद आपका टाइपिंग भी उसी दिन करवा लिया जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया, अपने आप मेल आईडी पे चेक कर लीजिए। यही एक छोटे सा वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक कमेंट आया था कि कुछ कि यह बकवास है, फालतू का इन्फॉर्मेशन है। देखिए, आपको मैं बोला था कि 22-23 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ गया। टाइपिंग का बोला था कि आपका जो पैसेज है वो आपका जजमेंट जैसा आएगा, जजमेंट नहीं आएगा लेकिन जजमेंट जैसा उसको थोड़ा थोड़ा टच करेगा, उस टाइप, मतलब जजमेंट नहीं रहेगा लेकिन उस टाइप का थोड़ा थोड़ा टच करेगा, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो ठीक है, आपका जो भी है, और क्या उसमें मेंशन किया गया था, किसी तरह का कुछ पॉइंट्स था एग्जामिनेशन का, जो आपको बताया था कि एग्जामिनेशन आपका सितंबर के माह में करवा लिया जाएगा। देखिए, सितंबर के माह में हो रहा है आपका, आपको मैं उसके आगे का भी जो भी बता दिया हूँ। ठीक है, जो भी है, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे शेयर कर दीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगर आपको टाइपिंग का कंटेंट चाहिए कि कैसा टाइपिंग हो रहा है, तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, फाइल वाले सेक्शन में जाके नीचे, जब का ये नोटिफिकेशन आया था तभी का मैं सेंड कर दिया हूँ आपको, टाइपिंग से रिलेटेड पूरे सारी चीजें वहां पे जा करके टाइपिंग का देख सकते हैं। हाँ, और जो जिनका कमेंट आया था उनसे बता देना चाहता हूं कि अब ये जो भर्ती है इतने साल पुरानी है, और अभी 2022 में आपका आया, कितना ज्यादा गैप हो गया है। तो ऐसा नहीं होता, हम एनालिसिस किस बेसिस पे किया जाता है, पिछले साल पे जैसे उसका प्रोसेस चलते आ रहा उस बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, बाकी तो आप दे ही रहे हो, अब जा करके देखो, पेपर दो, एग्जामिनेशन दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।